हम देख रहे हैं डेली मार्केट रिव्यू। नमस्कार, मैं जीत सिंह, स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। टेक्निकल चार्ट की हेल्प से समझने की हम कोशिश करेंगे आज का एक्शन क्या रहा मार्केट में। अगर हम देखें तो मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग रहा निफ्टी में, और एक जो कल का हायर लो स्टैब्लिश किया था, जैसे कि हमने बात की थी डेली मार्केट रिव्यू में, इस हायर लो को प्रॉपरली आज ब्रेक किया है निफ्टी ने। तो अर्ली कैंडल पे एक हम लोग ये देख सकते हैं कि डाउनफॉल चालू हो गया है, और एक हायर लो ब्रेक करने के बाद एक अर्ली कैंडल पे डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई है। ये हमको समझ में आता है जिस तरीके से आज का एक्शन रहा। आज अगर देखें तो 154 पॉइंट माइनस रहा निफ्टी। उसी तरीके से अगर हम लोग डेली कैंडल्स पे देखें तो डेली कैंडल पे ये देख सकते हैं एक लो था, एक हायर हाई था, एक हायर लो था, और अभी ये हम एक लोअर हाई मान सकते हैं जिस तरीके से एक्शन रहा है निफ्टी का। यहाँ पे प्रॉपरली ये लोअर हाई बोल सकते हैं, और इस लोअर हाई बनाने के बाद निफ्टी वापस डाउन साइड हो गई। एक ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है 14,400 का, और इस लेवल पे अगर सस्टेन करता है निफ्टी तो हम लोग आने वाले टाइम में इसको अपट्रेंडिंग देख सकते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग ये देख सकते हैं कि इस लेवल से 14,000 के लेवल से जो एक अपट्रेंडिंग था, मतलब 15,000 तक का जो जर्नी था, उसका रिट्रेसमेंट भी लेता हुआ हमको दिख रहा है निफ्टी। और वो रिट्रेसमेंट कितना लिया है वो हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ से जो मूवमेंट था ये हम लोग देख सकते हैं कि प्रॉपरली 50% का रिट्रेसमेंट लिया है, और आज 50% के ऊपर ही क्लोजिंग भी दी है, तो एक पॉजिटिव साइन है। हम लोग ईएमएस में देखेंगे कि इसको इंटेंगल्स कैसे कर सकते हैं, ईएमएस और भी वहां पे कुछ क्या मिले। तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि प्रॉपरली एक जो रेजिस्टेंस है, जो एक सपोर्ट जोन है 50 EMA के ऊपर रेजिस्टेंस लेके वहां पे क्लोजिंग दी है। अगर हम लोग देखें तो एक प्रॉपरली अप ट्रेंडिंग है बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे, और ये देख सकते हैं कि ये हायर हाई हायर लो प्रॉपरली प्रिंट करता हुआ जा रहा है हर कैंडल पे। यहाँ पे देखें तो इस मंथ में अभी तक 65 पॉइंट प्लस है। उसी तरीके से हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी आज गैप डाउन रहा ओपनिंग। यहाँ पे देख सकते हैं कि कल ही हमने देखा था कि एक हायर लो को ब्रेक किया था बैंक निफ्टी ने अपने आर्ली कैंडल्स में, और यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि एक प्रॉपरली डाउन साइड में, मतलब आर्ली कैंडल पे जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में दिख रहा है। अगर हम लोग डेली कैंडल्स में देखें तो डेली कैंडल में ये देख सकते हैं कि एक यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट लेता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी का जो रिट्रेसमेंट है वो देखे तो प्रॉपरली 0.618%, मतलब प्रॉपरली गोल्डन रेशियो का रिट्रेसमेंट लिया है, ये चेक कर सकते हैं हम लोग, और उस गोल्डन रेशियो के रिट्रेसमेंट के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो एक ये पॉजिटिव साइन है, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कॉमन दिख रहा है कि निफ्टी ने 50% का रिट्रेसमेंट दिया है और बैंक निफ्टी ने 0.61% का। ये लेवल, मतलब इस कैंडल का जो लो है 31,900, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में हम लोग एक ज्यादा फॉल देखते हुए हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ पे देखें तो इस वीक में अभी तक 452 पॉइंट माइनस है 1.37%, और प्रॉपरली एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अगर मंथली कैंडल में देखें तो मंथली कैंडल में यहाँ पे हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि एक डाउनफॉल है, और डाउनफॉल के बाद अभी भी प्लस है बैंक निफ्टी। अगर हम लोग बात करें ईएमएस पे तो ईएमएस पे देख सकते हैं कि 200 EMA का सपोर्ट ले रहा है अर्ली कैंडल पे, और 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी। डेली कैंडल पे ये देख सकते हैं कि आज प्रॉपरली 50 EMA का सपोर्ट लेके आज के ट्रेडिंग सेशन में ऊपर चला गया। यहाँ पे लोग चेक कर सकते हैं प्रॉपरली, तो एक पॉजिटिव सिग्नल है कि एक 50 EMA का रजिस्टर 50 EMA का रिट्रेसमेंट लिया है, और 50 EMA का एक सपोर्ट भी लिया है। यहाँ पे देखें तो प्रॉपरली 5 EMA के ऊपर है, 3 EMA के ऊपर है अभी भी वीकली चार्ट में, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है निफ्टी के लिए। मंथली चार्ट पे देखें तो प्रॉपरली 5 EMA के ऊपर है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 200 और 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है अर्ली कैंडल पे। अगर डेली कैंडल की बात करें तो डेली कैंडल पे प्रॉपरली देख सकते हैं क्रॉस ओवर होता हुआ दिख रहा है, और एक रेजिस्टेंस लिया है 50 EMA का। 50 EMA के ऊपर नहीं है बैंक निफ्टी, और निफ्टी है, तो ये भी चेक कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी में ज्यादा वीकनेस दिखती है कंपेयर टू निफ्टी। यहाँ पे देखें तो 5 EMA के नीचे आ चुका है, और एक नेगेटिव सेंटिमेंट कर रहा है बैंक निफ्टी। मंथली कैंडल पे देखें तो मंथली कैंडल पे प्रॉपरली 5 EMA के ऊपर है। उसी तरीके से आज हम लोग देखें कि निफ्टी का एक्शन क्या रहा, कौन कौन सी कंपनी प्लस रही, कौन कौन सी कंपनी माइनस रही, और कौन कौन से स्टॉक्स में स्ट्रेंथ दिखा, कहाँ पे ज्यादा वैल्यू की ट्रेड हुई, क्वांटिटी ट्रेड कौन कौन से शेयर्स में हुए, वो हम लोग NSE इंडिया की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं।
और वहां पे हमको समझ में आएगा कि कौन कौन सी कंपनी में ज्यादा ट्रेड हुआ है। FIs का भी इन्वेस्टमेंट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, मगर अभी हम लोग वीडियो बना रहे 4 बजे, शायद FIs का डेटा नहीं आया होगा, तो हम लोग कल का FIs का डेटा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो NSE इंडिया की साइट पे आज 154 पॉइंट माइनस रहा 1% के तकरीबन, 15 कंपनी प्लस रही, 35 कंपनी माइनस रही। बढ़ने वाले शेयर्स में टाटा मोटर्स, टाइटन, मारुति, पावर ग्रिड, सिप्ला, ये बढ़ने वाले शेयर्स में रहे। गिरने वाले शेयर्स में टाटा स्टील, हिंडालको, JSW स्टील, इंडसइंड बैंक और BPCL गिरने वाले शेयर्स में रहे। मोस्ट एक्टिव शेयर्स अगर देखें तो टाटा स्टील में सबसे ज्यादा वैल्यू की ट्रेड हुई, टाटा मोटर्स, भेल, गोदरेज, SBI में सबसे ज्यादा वैल्यू की ट्रेड हुई है, आइडिया, भेल, PNB, पावर और JPCL में सबसे ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुई है। अगर हम लोग देखें तो 336 करोड़ का नेट में FIs ने सेल किया था कल, जिसको हम नेगलेक्ट मतलब जीरो मान सकते हैं, मतलब आप ये देख सकते हैं न्यूट्रल है, ना कोई बाइंग है ना कोई सेलिंग है, मतलब इतना माइनर सा बाइंग सेलिंग किया है। अगर हम आपको थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट कर पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।